हाँ, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडेज क्लास डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ डिवीजन। व्हाट इज डिवीजन? द डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइंग बाय देयर रेसिप्रोकल। डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइंग बाय देयर रेसिप्रोकल। फॉर रेशनल नंबर ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, ए डिवाइडेड बाय बी, इट मीन्स ए मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ बी। यानी डिवाइजर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड डिवीजन। डिवाइजर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड डिवीजन। द डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइंग बाय द रेसिप्रोकल। फॉर एग्जाम्पल, 2/3 डिवाइडेड बाय 5/7, हियर 5/7 इज डिवाइजर। तो मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइजर, दैट इज कॉल्ड डिवीजन। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ 5/7, रेसिप्रोकल ऑफ 5/7, दैट इज डिवीजन। दैट इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ 5/7, दैट इज इक्वल टू 7/5। तो 2/3 × 7/5, 2 7 जा 14, 3 5 जा 15, दैट इज इक्वल टू 14/15। 2/3 डिवाइडेड बाय 5/7, दैट इज इक्वल टू 14/15। दिस इज द बेसिस, बेस ऑफ डिवीजन। यही डिवीजन का बेस है। जो लड़का इसको समझ गया, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब नाउ कम्स टू पेज 45 वर्कशीट 5। डिवाइड फर्स्ट 2/5 × −1/3। हियर −1/3 इज डिवाइजर। 2/5 × −1/3। 1 − 1/3 से डिवाइड करना है किसमें? तो 2/5 में। इसका मतलब −1/3 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है 2/5 में। तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ −1/3, रेसिप्रोकल ऑफ −1/3, −1/3 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट इज 2/3 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ −1/3, दैट इज इक्वल टू −3। तो 2 × −3 − 6/5। 2/3 डिवाइडेड बाय −1/3, सॉरी 2/5 · −1/3, रिजल्ट इज −6/5। इट्स क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4। 1/13 · −2, हियर −2 इज डिवाइजर। 1/13 · −2, −2 से डिवाइड करना है, इट मीन्स −2 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। 1/13 × −2, इसको समझना है। 1/13 · −2 मीन्स 1/13 × −2, रेसिप्रोकल ऑफ −2। 1/13 × −2 इज इक्वल टू −1/2, रेसिप्रोकल ऑफ −2 इज −1/2। सो 1 × −1 − 1 / 13 × 2 = 26। सो 1/13 · −2, रिजल्ट इज −1/26। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। इट इज द प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी? तो कहता है सो दैट कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन डिवीजन। यानी डिवीजन में कम्यूटेटिव नहीं होल्ड करते हैं। कम्यूटेटिव डज नॉट होल्ड इन डिवीजन। यानी एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज नॉट इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स।
यदि इक्वल होता तो कम्यूटेटिव हो जाता, कहता डिवीजन में कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी। एक्स डिवाइडेड बाय वाई डज नॉट इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स, फॉर रेशनल नंबर एक्स 3/4 वाई माइनस 5/6, कुछ भी एक्स और वाई का वैल्यू हो सकता है। यहाँ दिया हुआ है एक्स 3/4 वाई माइनस 5/6, तो अब इसको हम वेरीफाई करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS का वैल्यू लेते हैं, फिर RHS का वैल्यू लेंगे। LHS क्या है, LHS एक्स डिवाइडेड बाय वाई, वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स 3/4 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 5/6, इससे डिवाइड करना है, यानी इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। 3/4 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 5/6, रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 5/6, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5/6 का रेसिप्रोकल तो माइनस 6/5, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कॉमन फैक्टर को डिलीट कर दिए, दैट इज इक्वल टू 3 × -3 तो -9/2 × 5 = 10, द वैल्यू ऑफ LHS -9/10। नाउ कम्स टू वैल्यू ऑफ RHS, RHS y डिवाइडेड बाय x, RHS y डिवाइडेड बाय x, पुटिंग वैल्यू हियर y -5/6 डिवाइडेड बाय x 3/4, 3/4 से डिवाइड करना है -5/6 में, 3/4 से डिवाइड करना है, तो 3/4 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, -5/6 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, 3/4 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, तो -5/6 × 3/4 का रेसिप्रोकल तो 4/3, कॉमन फैक्टर को डिलीट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -5 × 2 तो -10/3 × 3 = 9, द वैल्यू ऑफ RHS -10/9, वैल्यू ऑफ LHS -9/10, दोनों इक्वल नहीं है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस x डिवाइडेड बाय y डज नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x, हेंस वेरीफाई, यही वेरीफाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3, इट इज व्हाट्स प्रॉब्लम, इट इज व्हाट्स प्रॉब्लम, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -3/7 इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/21, फाइंड अदर, हियर इट इज गिवन, क्या क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -3/7, दो नंबर का प्रोडक्ट, दो रेशनल नंबर उसका प्रोडक्ट -3/7 है, और उसमें से एक रेशनल नंबर है 5/21, तो दूसरा क्या होगा, अदर नंबर, दूसरा रेशनल नंबर क्या होगा, अदर नंबर दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय वन नंबर, अदर नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय वन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर -3/7 डिवाइडेड बाय वन नंबर 5/21, 5/21 से इसको डिवाइड करना है, यानी -3/7 मल्टीप्लाइड बाय 5/21, द रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइड बाय द मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ 5/21, -3/7 मल्टीप्लाइड बाय 5/21 का रेसिप्रोकल तो 21/5, 7 3 = 21, दैट इज इक्वल टू -3 × 3 तो -9/5, आंसर शुड इनवर्ट, हेंस अदर नंबर इज, हेंस अदर नंबर इज -9/5, यानी इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये हो जाएगा, -5/21 में कितना से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, तो अदर नंबर इज -9/5। सेकेंड क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो व्हाट्स प्रॉब्लम एंड सिमिलर टू द क्वेश्चन 3, कहता है विथ व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -36/35 सो दैट देयर प्रोडक्ट वी -6/5, -36/35 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि -6/5 हो जाएगा, हियर इट इज गिवन, वन नंबर इज -36/35, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -6/5, देयरफॉर अदर नंबर इज, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय वन नंबर, अदर नंबर, अदर नंबर कितना से मल्टीप्लाई करें, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय वन नंबर, -6/5 डिवाइडेड बाय -36/35,
-6/5 डिवाइडेड बाय द मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल -36/35 का रेसिप्रोकल -6/5 मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल तो -35/36 5 7 जा 35 6 6 जा 36 दैट इज इक्वल टू -(-+7/6) हेंस दैट नंबर इज 7/6 हेंस दैट नंबर इज यानी इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें 7/6 से मल्टीप्लाई करने पर -6/5 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन मल्टीप्लीकेशन इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डज नॉट होल्ड इन डिवीजन गलती से मल्टीप्लीकेशन बोल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डज नॉट होल्ड इन डिवीजन डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड नहीं करते हैं। कहने का मतलब एक्स डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाय जेड ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं होते हैं। फॉर एनी रेशनल नंबर एक्स -5/3 वाई 2/7 एंड जेड -1/-4 तो सबसे पहले इसको शो करने के लिए हम LHS का वैल्यू फिर RHS का वैल्यू निकालते हैं। तो LHS इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई प्लस जेड वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स -5/3 डिवाइडेड बाय वाई 2/7 प्लस जेड 1/-4 -5/3 डिवाइडेड बाय 4 और 7 का LCM 28 7 4 जा 28 4 2 जा 8 माइनस प्लस माइनस तो माइनस 4 7 जा 28 7 इंटू 1 तो 7 माइनस 5/3 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 7 1 बाय 28 1 बाय 28 डिवीजन है इसका इसका मतलब इसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लीकेशन तो -5/3 डिवाइडेड तो मल्टीप्लाइड बाय 1/28 का रेसिप्रोकल तो 28 दैट इज इक्वल टू -5 × 28 तो -140/3 द वैल्यू ऑफ LHS इज -140/3 नाउ कम्स टू RHS एक्स डिवाइडेड बाय वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाय जेड दैट इज RHS RHS इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाय जेड फुटिंग वैल्यू एक्स -5/3 डिवाइडेड बाय वाई 2/7 प्लस एक्स -5/3 डिवाइडेड बाय जेड 1/-4 एक्स वाई और जेड का वैल्यू रख दी। अब अलग अलग कीजिए -5/3 डिवाइडेड बाय तो मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल 2/7 का रेसिप्रोकल तो 7/2 प्लस -5/3 डिवाइडेड बाय तो मल्टीप्लाइड बाय जब ये डिवाइडेड तो मल्टीप्लाइड बाय 1/-4 का रेसिप्रोकल तो -4 -5 × 7 -35/6 2 × 3 तो 6 प्लस -5 × -4 तो 20/3 अब दोनों का एलसीएम 6 और 3 का एलसीएम तो 6 6 1 जा 6 1 × 35 -35 तो -35 प्लस 3 2 जा 6 2 × 20 तो 40 तो -35 + 40 तो 5/6 RHS 5/6 LHS -140/3 दोनों इक्वल नहीं है LHS नॉट इक्वल टू RHS hence x डिवाइडेड बाय y प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y प्लस x डिवाइडेड बाय जेड वेरीफाइड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट
ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, इसका प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन बनाए हैं, इसमें दो और बचा हुआ है, उसको बनाएंगे आप। लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए रोप ऑफ लेंथ 40 मीटर ए मैन कट सम इक्वल पीसेस, हाउ मेनी पीसेस कैन बी कट इफ ईच पीस इज ऑफ 4x9 मीटर लेंथ। 40 मीटर लंबे रॉप से 4x9 मीटर का इक्वल पीस काटा जाता है, कितने पीस होंगे? टोटल लेंथ ऑफ रोप 40 मीटर, टोटल लेंथ ऑफ रोप 40 मीटर, लेंथ ऑफ ईच इक्वल पीस 4x9 मीटर, हेंस नंबर ऑफ पीसेस, द टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन पीस, 40 divided by 4 by 9 का रेसिप्रोकल था 9 by 4, 4 10 जा 40, 10 into 9 90, हैंस नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू 90, यानी 4x9 मीटर का 90 पीस इस 40 मीटर लंबे रॉप से काटा जाएगा, 90 पीस काटा जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।